हेलो मेरी प्यारी बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। बच्चों से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है? तो इसी क्रम में आप देखिए और सीखिए, और चाहे तो इंग्लिश नोटबुक आप निकाल के मेरे साथ साथ लिखना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है वॉवेल। वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं, यानी कि जिन शब्दों के आगे जो शब्द लिखा जाए, वर्ड में शब्द है ना, जो आगे जिसके लगा हो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर हैं। 5 अक्षर जो हैं, ये 5 लेटर्स जिस शब्द के आगे लगा हो, जिस वर्ड के आगे, उसके आगे एक ही जगह पर, जहां एक आएगा किसी चीज के लिए, वहां पे हम एन लगाते हैं, ठीक है? और बाकी जगहों पे एक के लिए ए लगाते हैं, वो कॉन्सोनेंट के शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में, ए फॉर एप्पल। तो एप्पल में स्पेलिंग क्या होती है? ए डबल पी एल ई, है ना? तो एप्पल में सबसे पहली स्पेलिंग आगे वाली क्या पड़ी? ए। तो यदि हम कहेंगे कि एक सेब हमको बोलना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे एन एप्पल, ओके? तो इस तरह से ए आ गया। फिर अगला एग्जाम्पल है, ई कहाँ आएगा, किस लेटर में, किस वर्ड में सबसे पहला लेटर होता है ई का? तो उसका एग्जाम्पल एलिफेंट है। जैसे एलिफेंट में देखिए स्पेलिंग क्या होती है? ई एल ई पी एच ए एन टी। तो आगे वाला लेटर क्या है? ई है, ठीक है? अगला हम देखेंगे आई वाला। तो आई के लिए यदि कहेंगे कि आई से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आइसक्रीम। तो एक आइसक्रीम यदि कहेंगे, तो उसको कहेंगे एन आइसक्रीम। तो एन लिखेंगे एक के लिए, और आइसक्रीम के लिए भी स्पेलिंग आपको पता ही है, आई सी ई सी आर ई ए, ठीक है? तो इस तरह से ये एक के लिए आई लग गया। अब ओ के लिए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ओ से ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए हम कैसे लिखेंगे? एक, जैसे एक ऑरेंज या एक नारंगी हम कहते हैं ना जिसे, तो ऐसे लिखना हो तो हम लिखेंगे कि एन ऑरेंज। एन ऑरेंज के लिए देखिए, ओ आर ए एन जी ई। तो आगे वाला लेटर क्या है सबसे पहले ऑरेंज में? ओ हो गया। तो इस तरह से वॉवेल कवर्ड हो गया। अब लास्ट हमारा पड़ता है यू फॉर। तो यू से देखिए कौन सा वर्ड आता है? यू से एक आता है, मेरे माइंड में आया है जिसको हम कहते हैं अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग आप सबको पता होगी कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग है यू एम बी आर ई डबल एल। तो इसका आगे वाला लेटर क्या पड़ा? यू से पड़ा ना। तो इसको यदि हम कहेंगे एक छाता, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला, ठीक है? तो ये 5 लेटर्स जो हमने बताया, किसी वर्ड में यदि एक लगाना हो, तो उसके लिए ये 5 लेटर्स एग्जांपल हमने दिए हैं कि ए ई आई ओ यू। ऐसे तमाम और भी वर्ड हो सकते हैं जिसको कि यदि ए ई आई ओ यू किसी में आता है, तो उसका मतलब है कि जहां एक की जगह एन लगाते हैं, ठीक है? और बाकी कंसोनेंट में बाकी जो है लेटर्स, जैसे कि बाकी जो बच गया ना ए ई आई ओ यू के अलावा, जितने लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में गिने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता देती हूँ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, उसके बाद ओ नहीं लेगा, पी क्यू आर एस टी, फिर यू नहीं लेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? तो इस तरह से यदि हम कॉन्सोनेंट यदि पढ़ते हैं, तो इसका एग्जांपल एक छोटा सा दूंगे। जैसे बी से, यानी कि किसी लेटर के पहले बी आता है, किसी वर्ड के पहले, तो उसमें एक है। जैसे बी फॉर क्या होता है? बॉल होता है। तो एक बॉल यदि लिखना हो, तो यहाँ बी आगे आए स्पेलिंग होती है बॉल की, बी ए डबल एल। तो उसके पहले यदि एक बॉल कहना हो, तो यहाँ एन नहीं लेगा, ए लेगा, ए बॉल, यानी अ बॉल, उसको अ बॉल कहते हैं आज की भाषा में, अ बॉल, ठीक है? तो इस तरह से बाकी जो हमने बताया, बी C
सी डी एफ जी वगैरह वगैरह, तो ये सारे लेटर्स जो हैं आपको एक के लिए एन की जगह ए लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल में बता दिया कि वॉवेल में फाइव लेटर्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट में कौन कौन से लेटर होते हैं यदि कोई पाप से पूछे, तो ये सारी चीज़ जो हमने बताई कि वी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने होते हैं, यानी 21 लेटर्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट के हैं और 5 लेटर्स होते हैं जो कि वॉवेल के हैं। ये आपको शॉर्ट में जानने का बहुत जरूरी है। चलिए मेरी बातों से वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो गई, इसे आप लोग बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लिए, कमेंट में कुछ भी पूछना जरूर बताइए। आप सब लोग बहुत ख्याल रखिए, प्लीज़ टिक कर गो गाने।